ओम श्री गणेशाय नमः। मिथुन राशि फल 2019 के अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए यह साल सामान्य रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर आपको इस साल कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। छात्रों को भी इस वर्ष शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि फल 2019 के अनुसार इस साल करियर में कामयाबी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस वर्ष नौकरी और बिजनेस में सफलता के लिए नए विचारों के साथ आगे बढ़ना होगा। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर इस साल आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आप धन अर्जित और संचय करने में सफल रहेंगे। कामकाज के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है, इन यात्राओं से आपको लाभ होने की संभावना है। वहीं बिजनेस में नए नए तौर तरीके अपनाने से लाभ होगा। यह वर्ष आपके प्रेम जीवन के लिए खास रहेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ समय का आनंद लेंगे। कई बार आप अपने प्रेम जीवन को लेकर बहुत ही खुशनुमा महसूस करेंगे। साल के प्रारंभ में आप ऐसे मौके की तलाश में रहेंगे जिसमें प्रियतम के साथ बैठकर उनसे दिल की बात कह सकें। इस साल मिथुन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा। हालांकि परिवार में उतार चढ़ाव, भारी परिस्थितियां भी आएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, परंतु ज्यादातर मौकों में घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। साल की शुरुआत की बात करें तो जनवरी और फरवरी का समय परिवार के लिए कमजोर रह सकता है। छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। पढ़ाई में सफलता के लिए आपका दृढ़ निश्चय बना रहेगा। पढ़ाई में आपकी मेहनत और लगन आपके भविष्य का रास्ता तय करेगी। इस वर्ष मानसिक रूप से आप परिपक्व रहेंगे। अब जानते हैं मिथुन राशि फल 2019 के अनुसार उनका करियर। भविष्य फल 2019 के अनुसार यह साल आपके करियर के लिए सामान्य रहने का संकेत दे रहा है। हालांकि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो यह साल आपके करियर के लिए अच्छा हो सकता है। आपको अपने काम में पूरा फोकस करना होगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको नए नए विचारों को सृजन करना होगा। वरिष्ठ कर्मियों की सलाह भी आपके काम आएगी। किसी चीज में सफलता पाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं। हो सकता है इसमें आपको तत्कालिक लाभ मिल जाए, परंतु लंबे समय तक यह आपके काम नहीं आएगी। इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करें। ऑफिस अथवा अपने कार्य क्षेत्र में विवादों से दूर रहें। ऑफिस में होने वाली राजनीति का हिस्सा न बने, अन्यथा आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। अप्रैल मई में आपका प्रमोशन संभव है। इस समय सीनियर्स आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। इस दौरान आपको किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान से जॉब का ऑफर भी आ सकता है। नवंबर दिसंबर में आपके करियर का ग्राफ ऊंचा रहेगा। इस दौरान आपकी सैलरी में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। कामयाबी मिलने पर अहंकार को अपने व्यक्तित्व में बिल्कुल भी जगह न दें और अपने अंदर कामयाबी की भूख जगाए रखें। करियर में असफलता मिलने पर निराश होने के बजाय और अधिक परिश्रम करें। अब बात करते हैं मिथुन राशिफल 2019 के अनुसार इनका आर्थिक जीवन। राशिफल 2019 के अनुसार इस वर्ष आपको आर्थिक जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार में नए नए आइडिया आपके आर्थिक लाभ को बढ़ाने में मदद करेंगे। इस वर्ष आप धन एकत्रित करने में सफल रहेंगे। हालांकि बिजनेस में विस्तार हेतु आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस दौरान आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। विदेशी संबंधों से आपको आर्थिक मुनाफा होगा, परंतु आपको हमारी यही सलाह होगी कि पैसों के पीछे इतना ना भागें जिससे कि आप अपनी निजी जिंदगी को भी समय न दे पाए। प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ के बीच तालमेल बनाकर रखें। साल के शुरुआती महीनों में आपका फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत होगा। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। इसके अलावा साल के अंत यानी नवंबर दिसंबर में भी आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के विभिन्न अवसर मिलेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी आमदनी में वृद्धि संभव है। कंपनी अथवा संस्था के द्वारा आपको कोई बड़ा तोहफा भी मिल सकता है। हालांकि परिस्थितियां एक जैसी नहीं होंगी, इसलिए कभी कभार आपको आर्थिक जीवन में निराशा भी हाथ लग सकती है, परंतु इस समय घबराए नहीं बल्कि अच्छे वक्त का इंतजार करें। आय के साथ साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। कोशिश करें कि आमदनी और खर्चों में एक प्रकार का बैलेंस बना रहे। अब बात करते हैं मिथुन राशि फल 2019 के अनुसार शिक्षा। राशिफल 2019 के अनुसार छात्रों के लिए यह साल अच्छा रहेगा। इस वर्ष छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। पढ़ाई में सफलता के लिए आपका दृढ़ निश्चय बना रहेगा। पढ़ाई में आपकी मेहनत और लगन आपके भविष्य का रास्ता तय करेगी। इस वर्ष मानसिक रूप से आप परिपक्व रहेंगे। शिक्षा के प्रति आपका लगाव देखने लायक होगा। शिक्षा हेतु सहपाठी एवं गुरुजनों के द्वारा आपको हर संभव मदद मिलेगी। अगर पढ़ाई के प्रति आपकी मेहनत ऐसे ही रहेगी तो आप बड़ी से बड़ी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। जो जातक इसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वर्ष उनको
सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि इसके लिए छात्रों को जमकर मेहनत भी करनी होगी। लॉ के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उम्दा रहेगा। इस क्षेत्र में आपके लिए ढेरों संभावनाएं रहेंगी। हालांकि इसके लिए छात्रों का शिक्षण संस्थान का चयन अच्छा होना चाहिए। कला वर्ग के छात्रों को प्रोफेशनल कोर्स पर भी ध्यान देना होगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का चयन किया जाए तो इससे भविष्य संवर सकता है। अब बात करते हैं राशिफल 2019 के अनुसार उनका पारिवारिक जीवन। राशिफल 2019 के अनुसार इस साल मिथुन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा। हालांकि परिवार में उतार चढ़ाव भारी परिस्थितियां भी आएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, परंतु ज्यादातर मौकों में घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। साल की शुरुआत की बात करें तो जनवरी और फरवरी के समय परिवार के लिए कमजोर रह सकता है। इस दौरान घर में विवाद क्लेश आदि की स्थिति देखने को मिल सकती है। इस दौरान घर के सदस्यों के बीच तालमेल भी नहीं दिखेगा। संपत्ति को लेकर परिजनों के बीच विवाद हो सकता है। घबराए नहीं, मार्च से परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। परिवार में खुशियां आएंगी। हो सकता है इस समय घर में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन हो। मई जून में घर में मांगलिक कार्य संभव है। घर के सदस्यों की बात करें तो माता जी की सेहत में कमी आ सकती है, लिहाजा उनकी सेहत का ख्याल रखें। पिताजी की सेहत दुरुस्त रहेगी। वहीं भाई बहनों का करियर चमकेगा। हो सकता है उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि मिले। उनके विदेश जाने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है। घर में बड़े सदस्यों की सेवा और उनका सम्मान करें। उनका आशीर्वाद आपके लिए शुभ परिणाम कारक रहेगा। दिसंबर का महीना पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा नाजुक रहेगा। आइए अब बात करते हैं राशिफल 2019 के अनुसार इनका विवाह एवं संतान के बारे में। भविष्यफल 2019 यह संकेत कर रहा है कि इस वर्ष आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रहने वाला है। आपको इसमें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी दिख सकती है। कई मौकों में उनके साथ आपकी बहसबाजी भी संभव है। किसी गलतफहमी के कारण आपका वैवाहिक संबंध कमजोर हो सकता है, इसलिए किसी भी गलतफहमी अथवा शंका को तत्काल दूर करें। हालांकि मार्च अप्रैल और नवंबर दिसंबर में वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध बनेंगे और आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। इस समय आप उनके साथ कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं। किसी हिल स्टेशन आप दोनों की पसंदीदा जगह रहेगी। हर परिस्थिति में जीवन साथी आपकी ढाल बनकर आगे खड़ा रहेगा। आपके सफल प्रयासों में उनका भी योगदान रहेगा। बच्चों के लिए यह वर्ष बेहतर नजर आ रहा है। शिक्षा में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। उनकी तरक्की आपकी मुस्कान का कारक बनेगी। जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर का समय बच्चों के लिए अनुकूल रहेगा, परंतु सितंबर से दिसंबर तक का समय उनके लिए थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ रहा है। इस समय आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। उनकी क्रियाकलापों पर भी आप नजर बनाए रखें। जून में पढ़ाई हेतु वे विदेश भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं राशिफल 2019 के अनुसार उनका प्रेम जीवन। फलादेश 2019 के अनुसार यह वर्ष आपके प्रेम जीवन के लिए खास रहेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ समय का आनंद लेंगे। कई बार आप अपने प्रेम जीवन को लेकर बहुत ही खुशनुमा महसूस करेंगे। साल के प्रारंभ में आप ऐसे मौके की तलाश में रहेंगे जिसमें प्रियतम के साथ बैठकर उनसे दिल की बात कह सकें। आप अपने रिश्तों को एक कदम और आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। अपने लव पार्टनर को आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहेंगे। अप्रैल का महीना आपके प्यार की डोर को और भी मजबूत करेगा। इस दौरान आप दोनों के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वहीं जिन जातकों को प्यार की तलाश है उनकी तलाश अगस्त में खत्म होगी। इस समय आपकी नई लव स्टोरी शुरू हो सकती है। हालांकि सितंबर में प्रियतम के साथ किसी बात को लेकर ताना तानी हो सकती है। ऐसा होने पर बात का बतंगड़ ना बनाएं और परिस्थिति को काबू करने का प्रयास करें। यदि किसी प्रकार की गलतफहमी है तो उसे भी बातचीत के माध्यम से दूर करें। अक्टूबर में परिस्थितियां फिर से सामान्य हो जाएंगे। इस समय आपके मन में कामुक विचार आ सकते हैं, हालांकि इन विचारों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। प्यार के मामले में घर वाले आपत्ति जता सकते हैं, परंतु बाद में उनको भी आपका रिश्ता मंजूर होगा। अब बात करते हैं राशिफल 2019 के अनुसार स्वास्थ्य। राशिफल 2019 के अनुसार इस वर्ष आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हालांकि कभी कभार छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आपका सामना होगा, परंतु साल के प्रारंभ यानी जनवरी में आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। इस समय आपको स्किन से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे दांत खाज, खुजली आदि की समस्या हो सकती है। चेहरे में मुहासे भी निकल सकते हैं। इस दौरान किसी चर्म रोग विशेषज्ञ की देखरेख में इसका उपचार कराएं। मार्च नवंबर तक का समय सेहत के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। हालांकि बीच बीच में छोटे मोटे कारण से तबीयत खराब रह सकती है, फिर भी इस समय लापरवाही ना बरतें।
आप खुद को तरोताजा बनाए रखें। मनोरंजन से आप अपने तनाव को दूर करेंगे। अपने आप को फिट रखने के लिए आप किसी योगा क्लब अथवा जिम आदि से जुड़ सकते हैं। इस बीच एक बात पर अवश्य ध्यान दें, स्वस्थ काय के लिए स्वस्थ दिनचर्या का पालन आवश्यक है। मतलब आपको समय पर सोना, पर्याप्त नींद लेना और समय पर उठना चाहिए। इसके साथ साथ समय पर खाना पीना भी आवश्यक है। दिसंबर का महीना आपकी सेहत के लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय आपको सर्दी जुकाम रह सकता है। हालांकि आपको यह सामान्य लग सकता है, परंतु फिर भी इसे हल्के में लेने की कोशिश न करें। अब बात करते हैं मिथुन राशिफल 2019 के अनुसार उपाय। वर्ष 2019 में आपको निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप अपने मनचाहे परिणामों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। पहला, नियमित रूप से श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। दूसरा, गौ माता को हरा चारा और हरी सब्जियां खिलाएं तथा किसी गौशाला में यथाशक्ति दान करें। तीसरा, अपनी बहन, मौसी अथवा बुआ को हरे रंग की साड़ी तथा हरे रंग की चूड़ियां बुधवार के दिन भेंट करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वर्ष 2019 का यह राशिफल आपको आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करेगा और सही मार्ग चुनने में आपका सच्चा मार्गदर्शक साबित होगा। आप सभी का कल्याण हो।